नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का 26वां संस्करण 6 से 14 जनवरी के बीच प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश भर के 800 से ज्यादा प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं, साथ ही पुस्तक मेले में 40 देश भी हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा आयोजित किए जाने वाले 9 दिवसीय मेले की थीम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन है। एनबीटी के अध्यक्ष बलदेव भाई शर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि थीम मंडप हॉल नंबर 7 में है और इसमें जलवायु परिवर्तन और जल प्रदूषण को प्रमुखता से दर्शाने की कोशिश की गई है। इसके तहत पुस्तकों की विशेष प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा की किताबें होंगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा थीम मंडप में जलवायु परिवर्तन को दर्शाने के लिए आकर्षक चित्र प्रदर्शनी और पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन होगा। बलदेव भाई शर्मा के मुताबिक मेले में यूरोपीय संघ में शामिल 27 देशों के साथ ईरान, मेक्सिको, जापान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन समेत 40 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा यूनेस्को और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसमें शामिल हो रही हैं। एनबीटी के प्रमुख ने बताया कि यूरोपीय संघ के लिए एक विशेष मंडप तैयार किया गया है, जिसमें समृद्ध और गतिशील यूरोपीय संस्कृति और साहित्य का प्रदर्शन किया जाएगा। संघ के सदस्य देश अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं की चुनिंदा पुस्तकों का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि मेले का आयोजन 30,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में किया जा रहा है। इसमें 800 प्रकाशक भी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि तकरीबन 1,500 स्टॉलों पर हिंदी, उर्दू, मैथिली, गुजराती, बंगाली, मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी समेत विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों का प्रदर्शन किया जाएगा। शर्मा ने बताया कि मेले के टिकट 50 से ज्यादा मेट्रो स्टेशनों पर मिलेंगे। इसके अलावा स्कूली वर्दों में आने वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। सर, ये बुक फेयर के बारे में इस बार कुछ बताइए और क्या एक्सपेक्टेशन है, इस बार कितने लोगों की जुटने की उम्मीद है? यहाँ तो लाखों लोग आते हैं, बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। वर्ष भर लोग प्रतीक्षा करते हैं कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला कब लग रहा है। तो पिछले वर्ष भी 12 लाख से ज़्यादा फुटफॉल यहाँ रहा और इस बार भी हमें लगता है कि उससे ज़्यादा रहेगा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के जो लेखक हैं उनको ऐसे बड़े अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, तो उनके लिए ये सब हम भारतीय भाषाओं में जो यहाँ प्रकाशकों को आमंत्रित करते हैं उनको सब्सिडी देते हैं। वो इसीलिए कि जो ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र के लेखक हैं उनके लेखन को भी देश दुनिया से आने वाले जो लोग यहाँ हैं वो देखें। और क्षेत्रीय भाषाओं को कितना, क्षेत्रीय भाषाओं को हमने पिछले 2 वर्षों में बहुत महत्व दिया है। बिहार की मगही, मैथिली, भोजपुरी, इनमें हमने पुस्तकें प्रकाशित की हैं पहली बार। बस्तर की बढ़ई, भतरी, हड़वी, गौंडी, इन भाषाओं में 8 भाषा बोलियों में 20 पुस्तकें हमने प्रकाशित की हैं। नेपाली जो सिक्किम की प्रमुख क्षेत्रीय भाषा है उसमें हमने 12 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। सुदूर त्रिपुरा की जो काकबरक भाषा है उसमें हमने पुस्तक प्रकाशित करने की योजना बनाई, वो सारी प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है। झारखंड की मंडारी और संथाली, इन भाषाओं में हम काम शुरू कर रहे हैं। संस्कृत में हमने पहली बार पुस्तक प्रकाशन किया है। तो जो क्षेत्रीय भाषाएँ हैं उनको भी हम पूरा महत्व दे रहे हैं, ताकि उन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं अपनी भाषाओं में जब किताबें देखेंगे तो उनकी पढ़ने में भी रुचि बढ़ेगी। जैसे सर, इस समय डिजिटलाइजेशन का युग में ये किताबों को पढ़ने के प्रति जो लोगों की रुचि है कम, कहीं ना कहीं कम हो रही है, तो उसकी दिशा में आप कोई कदम उठा? नहीं, रुचि कम नहीं हो रही है, क्योंकि हम तो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के माध्यम से जब देखते हैं तो हमारी तो पिछले 2 वर्षों में 2 गुनी से ज़्यादा बिक्री बढ़ी है किताबों की, तो रुचि हम कैसे मान लें कम हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमारे आज नौजवान हैं थोड़ा कैरियर ओरिएंटेड होने के कारण उनको समय कम मिल पाता है, लेकिन इसके बावजूद वो किताबें पढ़ने में रुचि रखते हैं। और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तो गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक अपनी पुस्तक परिक्रमा बसों के माध्यम से, और जैसे नई दिल्ली में हम ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्व पुस्तक मेला लगाते हैं, ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर हम जगह जगह हर राज्य में अलग अलग समय पर मेले लगाते हैं, उनके माध्यम से बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से पुस्तक प्रेमियों को हम जोड़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि किताबें वो खरीदते हैं। जैसे इस बार की जो हमारी आपकी जो थीम है वो पर्यावरण को लेकर के है, तो पर्यावरण के प्रति जो आप जो जागरूकता फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं इस पुस्तक मेले के माध्यम से, तो किस हद तक ये सफल होगा, आप कितना उम्मीद? हम तो चाहते हैं 100% सफल हो,
प्रयास करना महत्वपूर्ण होता है, किस हद तक सफल होगा ये तो आगे की बात है ना। महत्वपूर्ण यह है कि प्रयास किया और उसको हम बहुत व्यापक रूप में यहाँ प्रस्तुत करेंगे। पुस्तकों की भारतीय भाषाओं में जो पर्यावरण जुड़ी किताबें हैं उनकी प्रदर्शनियाँ हम यहाँ लगाएंगे, बहुत सारे आयोजन करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, लोकगीतों के माध्यम से प्रकृति प्रेम के प्रति जागरूकता, तो ये सारा एक प्रयास है और ये पूरी तरह सफल हो हम तो इसी के लिए इसको करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।